hello and welcome to today's editorial reading today we are reading about a very you know very um, delicate and very spatial and very crucial and very important topic it is about what is going on in digital world jubna digital world digitalization hai? पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया होगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा बट उसके साथ साथ बड़ा ही उल्टा काम भी होता है क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी आती है कोई भी टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में हम देख सकते हैं जो भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ कुछ ना कुछ उसके उल्टे काम कुछ ना कुछ उसके यू नो कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं एक ओसवल uh, नाम के जो बंदे हैं एक इज़ वेरी यू नो फेमस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट और वो उस के साथ भी ऐसा हुआ कि डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ हो रही है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है अगर कोई इंसान बुरा है किसी ने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो उनके पास कॉल्स आती हैं और वो कॉल्स में बोलते हैं कि हम सीबीआई से हैं हम आ, क्या बोलते हैं पुलिस से हैं मैं कमिश्नर बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह और मुझे पता है कि तुम्हारा वो ट्रक वहाँ जा रहा है उसमें इतना ड्रग है वगैरह वगैरह तो अब तुम्हें डिजिटली अरेस्ट करते हैं या तो आप इतने पैसे हमें दे दो या यू आर अरेस्टेड एंड यूल हैव टू फेस दानसिक्वेंसेज और लोग डर के मारे कर रहे तो ओ ये जो नाम है एक मिनट सी क्या नाम है इनका एस पी ओसवाल एस पी ओसवाल बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो भी फंस गए तो हम लोग तो कभी भी इसमें फंस सकते हैं उसके बारे में है ये ठीक है टुडेज आर्टिकल और इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट ओके माई नेम इज़ and एंड us begin. वर्ड्स जो मैं बताऊंगा दैट वुड इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू राइट these वर्ड्स इन योर नोटबुक एक अलग से एक नोटबुक बनाओ उनमें वर्ड्स को रोज नोट करते रहो ठीक है तो जो वर्ड रिपीट होते रहेंगे वो तो याद हो जाएंगे और जो नए नए आते रहते हैं उनमें थोड़ा सा इशू होता है एज रीडिंग प्लेज अ ग्रेट रोल इन ऑल द एग्जाम्स आई गैस मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स और अगर आप पढ़े लिखे हो तो इंग्लिश अच्छे लेवल की आना अच्छी वोकेबलरी आना इज अ मस्ट सो लेट एस बिगेन क्या है देखो इसमें डिजिटल अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट द टर्म माइट साउंड लाइक समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन मतलब सीधा साइंस फिक्शन में से आ गया फिक्शन का मतलब होता है कल्पना कल्पना ओके इमेजिनेशन एंड साइंस फिक्शन इसी की हमने साईफाई मूवी सुनी होगी साईफाई साईफाई का मतलब ही साइंस फिक्शन होता है कोई भी साईफाई मूवी है ना स्पाइडरमैन देखी थी मकड़ी आई काट गई स्पाइडरमैन बन गया च्यों ट्यों ट्यों ट्यों, ट्यों, ट्यों एनर्जी आ गई एकदम से उसके अंदर कहाँ से ही तो ये सारी चीज़ें साईफाई आती हैं तो ये जो आजकल हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी साईफाई मूवी से अगला वर्ड है साउंड साउंड का मतलब होता है लगना जैसे आपका कोई दोस्त है आपने उनसे पूछा कि कैसे हो मैं ठीक हूँ अरे यू साउंड टायर्ड तुम टायर्ड लग रहे हो जिसकी आवाज़ से सुनकर आपको कुछ लगे कोई बात तो वो आप साउंड बोल सकते हो ठीक है सो डिजिटल अरेस्ट द टर्म माइट माइट मतलब शायद साउंड लाइक समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन कि सीधा सीधा कोई चीज़ ना साइंस फिक्शन से कहीं से उठा के ले आए हैं बट लेकिन इट इज द फास्ट बिकमिंग रियल लाइफ मैनेस एम ई एन ए सी ई इट इज नॉट मीनेस इट इज menace. मैनेस menace. menace का मतलब होता है थ्रेट खतरा एक नुकसान ओके okay? थ्रेट इसका एक सिनोनिम बहुत ज्यादा प्रचलित है फेमस है आपको दिखेगा कहीं ना कहीं थ्रेट थ्रेट या मैनिस मतलब खतरा तो एक बढ़ता हुआ खतरा है जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे इंग्लिश पता क्या होती है एज जैसे जैसे एज वी आर मूविंग हायर इन टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें भी बढ़ती जा रही हैं ये खतरा जो है मैनस बढ़ रहा है ओके बट इट इज फास्ट बिकमिंग आर रियल लाइफ मैनस एक रियल लाइफ खतरा बनता जा रहा है एज पर एज पर मतलब होता है से उससे रिलेटेड एज पर गवर्नमेंट डेटा गवर्नमेंट डेटा के आधार पर बोल सकते हैं इंडियन सिटीजनस लोस अराउंड वन ट्वेंटी करोड़ टू दिस फ्रॉड एक सौ बीस करोड़ के आसपास पैसा मतलब निकला जा चुका है ये जो फ्रॉड स्टर्स हैं फ्रॉड स्टर मतलब वो धोखेबाजी करने वाले लोग फ्रॉड वो फ्रॉड लोगों ने 120 करोड़ रुपए उड़ा लिए हैं अभी तक हाईलाइटेड बाई पी नरेंद्र मोदी इन मन की बात ऑन संडे फिर से एक बात याद दिलाऊंगा जब भी पीएम या प्रेसिडेंट या कोई भी रैंक आता है कोई भी रैंक ऑध ठीक है रैंक जैसे प्रिंसिपल पी एम प्रेजिडेंट इन सबसे पहले हम लिखते हैं द चीफ द पी एम द प्रेजिडेंट The head. लेकिन अगर उस पीएम के बाद प्रेसिडेंट के बाद अगर उस वर्ड के बाद नाम आ जाता है तब द नहीं लगता देखो यहाँ पर नहीं है है ना नहीं है हाईलाइटेड बाई द पी नरेंद्र मोदी नहीं है अगर नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता तो होता हा। तो ये होता हाईलाइटेड बाई द पी बट नरेंद्र मोदी लिखा हुआ इसलिए हाईलाइटेड बाई पी नरेंद्र मोदी इन मन की बात ऑन संडे ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 पहला जो क्वार्टर था दो चौबीस uh, का जो पहला क्वार्टर था पहली तिमाही जो थी उसमें कुछ ये बात बताई होगी द मोडस ऑपरेंडी इज इन्वेंटिव वर्ड बड़ा अच्छा है इन्वेंटिव का मतलब होता है स्पेशल स्पेशल बोल सकते हो न्यू बोल सकते हो इन्वेंटिव है एक मतलब इन्वेंट किया हुआ एक बड़ा ही नया अजूबा है मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन इनका जो काम करने का जो तरीका है ना बड़ा ही नया तरीका है क्या करते हैं लोग कॉलर्स पोजिंग एज पोजिंग एज मतलब बनकर पोजिंग एज officials पुलिस सी बी आई और द नार्कोटिक डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्म पोटेंशियल विक्टिम्स विक्टिम का मतलब होता है शिकार ओके okay? कोई आदमी किसी को चाकू मारता है पैसे लूटता है तो जो जिसके ऊपर जिसके पैसे लूटे हैं जिसको चाकू लगा है वो विक्टिम कहलाता है पोटेंशियल मतलब बढ़िया वाले एनर्जी वाले जिसके पास ज़्यादा पैसा हो अमीर हो तो पोटेंशियल विक्टिम्स को इन्फॉर्म करते हैं दैट दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन ग्राउंड्स सच एज द सीजर ऑफ देयर पोस्टल कंसाइनमेंट कैरिंग ड्रग्स ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो यहाँ से ट्रक जा रहे हैं ना पंद्रह ट्रक उनमें उन ट्रकों में उनमें ऐसे ऐसे तुम्हारा जो है माल है ड्रग है और हम उन्हें सीज़ कर रहे हैं सीज मतलब सीज से बनाइए सीज़ कर रहे हैं हम और अगर चीज हो जाएगा ऐसा उनको धमकी देते हैं उनको बताते हैं दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। तुम्हारा जो ट्रक है तुम्हारा सारा सामान इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है दे आर टोल्ड टू तो कॉफ अप भाई कॉफ ऑफ वर्ड आप बिल्कुल बढ़िया से याद कर सकते हो कॉफ़ अप खांसी से आप याद कर सकते हो वैसे कॉफ़ अप का मतलब होता है पैसे देना बिना मन के कि या तो पैसे दो है ना भाई कई बार हम अब अपनी मर्जी से थोड़ी देगा वो पैसे उसे छीने जा रहे हैं तो बोलता है ठीक है भाई ले लो एक ब्राइब एक मतलब बेमन से तो दे आर टोल्ड टू कॉफ अप मनी या तो पैसा दो और और का मतलब पता है क्या होता है और का मतलब होता है वरना वरना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वरना ओके okay, या तो पैसे दे दो वरना फेस द कॉन्सिक्वेंस फेस लीगल कॉन्सिक्वेंस लीगल मतलब कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो सारी चीजें फेस करना उसका सामना करना या तो पैसे दे दो वरना सामना करना इंक्लूडिंग अरेस्ट और उसमें अरेस्ट भी हो सकता है Pushed to the brink. Push to the brink मतलब होता है मरने के कगार पर एकदम मतलब मरने के कगार पर आ आगे ना ब्रिंक मतलब होता होता है है कगार पर टू द ब्रिंक शीयर पैनिक पैनिक घबराहट या हड़बड़ाहट हड़बड़ी तो शीयर मतलब बहुत ज्यादा शीयर हड़बड़ी की वजह से एकदम तगड़ी सी हड़बड़ी की वजह से वो एकदम मरने वाला हो जाता है कोई भी बंदा है और वो फिर क्या करता है और उसके बाद कपल्ड विद द फैक्ट दैट दीज ऑफिशियल्स नो सिग्निफिकेंट डिटेल्स अबाउट दम कपल्ड विद मतलब होता है साथ इसके साथ साथ ऊपर से उन्हें यह भी पता है कि यार इन लोगों को हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या पता है तो ये नकली तो नहीं है और ऐसा होकर द गलीबल वंस एंड अप मेकिंग पेमेंट गलीबल मतलब होता है डरने वाला डरपोक जिसको ईजीली डराया जा सके वो डरपोक हो गया है ना और डरपोक के लिए एक और वर्ड आता है टिमिड टी आई एम आई डी टिमिड ओके फियरफुल गलीबल जिसको इजीली आप बहका सकते हो भोले भाल, भोला भाला बोल सकते हो तो जो भोले भाले लोग होते हैं द गलीबल एंड अप एंड मतलब फाइनली क्या कर देते हैं वो मेकिंग द पेमेंट पेने पेमेंट को मेक कर देते हैं कि पेमेंट कर देते हैं लो तो भाई अपने आए समझ में वर्ड्स मैंने बताए जस्ट रीड वंस अगेन सो दैट यू माइट अंडरस्टैंड इट इन बेटर वाई ओके डिजिटल अरेस्ट The term might sound like something straight out of science fiction, but it is far, it is the it is fast grow fast becoming a fast growing uh, real life menace. Jaldi jaldi, मतलब दिन प्रतिदिन fast growing मतलब बोल सकते हो दिन प्रतिदिन बहुत ही जल्दी speed से दिन प्रतिदिन ये बड़ी ही खतरनाक वाली menace खतरा बनते जा रही है. As per the government data, government data के हिसाब से Indian citizen lost about lost around around about मतलब लगभग rupees 120 crore to this fraud. इस fraud की वजह से 120 करोड़ रुपया नुकसान हो चुका है लोगों का सभी का हाईलाइटेड बाई पी एम नरेंद्र मोदी इन मन की बात ऑन संडे ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दो हजार चौबीस का जो पहला क्वार्टर था उसमें मोदी जी ने बताया था कितना हो गया द मोडर्स इज इंसेंटिव इनवेंटिव बड़ा ही नया अजूब, अजूब सा इनका तरीका है कॉलर्सोजिंग posing as और पुलिस और or CBI or और or narcotic department और potential डिपार्टमेंट that पोटेंशियल are दैट दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन ग्राउंड seizure of their ऑफ consignment. पोस्टल कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट मतलब होता है माल ओके okay, जो भी माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है शिपमेंट बोलते ना शिपमेंट वही कंसाइनमेंट जो भी माल जा रहा है उसको कैरिंग ड्रग्स उसमें ड्रग वगैरह ऐसा इन्फॉर्म करते हैं दे आर टोल टू कॉफ अप मनी और लीग और फेस लीगल कॉन्सिक्वेंस या तो पैसा दे दो कॉफ अप मतलब या तो दे दो मन नहीं है फिर भी दो नहीं दोगे तो गए काम से लीगल कॉन्सिक्वेंस को फेस करना ठीक है इंक्लूडिंग अरेस्ट पोस्ट टू द ब्रिंग बाय शेयर पैनिक इतने तगड़े झटके से इतने तगड़े घबराहट से वो एकदम मरने वाले से हो जाते हैं एकदम घबरा जाते हैं कपल विद द फैक्ट इस बात को जानते हुए कपल विद मतलब ऐसे साथ होता है जैसे बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो गई ओके इट ट्रेंड कपल विद हेल स्टोर ऐसे करके नो सिग्निफिकेंट डिटेल्स से बात है और उनको लगता है यार इनको तो बड़ी ही भारी डिटेल पता है हमारे बारे में द गली बल वंस एंड और जो डरपोक लोग होते हैं थोड़े से बहल जाते हैं जो बहक जाते हैं वो लोग तुरंत पेमेंट कर देते हैं आगे चले सेकेंड पे अभी यहां पर क्या नाम में बता रहा था एस पी ओस वाल है इनका नाम पद्म भूषण मिला हुआ इतने बड़े हैं ये पद्म भूषण अवॉर्ड ही एन वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन वर्धमान कोई कंपनी का नाम है वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन है चेयरपर्सन चेयरमैन एस पी ओसवल वुड नो वट दिस इज ऑल अबाउट उसको समझ में कि क्या कुछ है अ कपल ऑफ मंथ्स अगो एन इंटर स्टेट गैंग ऑफ साइबर क्रिमिनल्स हु क्लेम टू बी सी बी आई क्या बताए ना क्लेम मतलब दावा करना क्लेम करना दावा करना हु क्लेम्ड टू बी सी बी आई ऑफिसर्स जिन्होंने बोला कि हम सी बी आई ऑफिसर्स हैं है लूट लेना बहका के बहला फुसला के किसी से जब्त कर लेना छीनना नहीं छीनना नहीं है. बहला के मतलब सामने वाले को इतना प्यार से ये ये बातें बोला कि वो बोला कि ले भाई पैसे ले ले इसको ड्यूप करना बोलते हैं लूट लेना स्विंडल स्विंडल वर्ड भी आता है स्विंडल करना ड्यूब करना पैसे ऐंठ लेना झूठ बोलकर तो जो इतने बड़े अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको भी एक इंटरस्टेट गैंग है ये साइबर क्रिमिनल्स की इन्होंने क्या किया क्लेम कर दिया कि वो सी ऑफिसर्स हैं एंड ड्यूब द रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ऑफिस सेवन करोड़ कैप्ट अंडर डिजिटल सर्वेलेंस फॉर टू डेज़ दो दिन तक डिजिटल सर्वेलेंस के अंदर रखा उन्हें एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू कॉल और टेक्सट एनी वन और डिजिटल सर्वेलेंस का मतलब होता है कि जैसे मेरे को अगर डिजिटल डिजिटली सर्वेलेंस किया जा रहा है तो मेरे मोह फोन टैबलेट पी सी कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है कैमरा वगैरह सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल में रहेंगे कि मैं किसको क्या मैसेज कर रहा हूँ किसको कॉल कर रहा हूँ तो उनको दो दिन तक डिजिटल सर्विलेंस में रखा गया द फ्रॉड मतलब फ्रॉड लोग जो आदमी लोग होते हैं ना जो लूटते हैं वो द फ्रॉडस्टर्स ऑल्सो ऑर्केस्ट्रेटेड अ फेक सुप्रीम कोर्ट्स ही थ्रू अ वीडियो कॉल वीडियो कॉल में पीछे ऐसा सेटअप बना दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की हीरिंग चल रही है सुनाई चल रही है और बोला कि ये आपकी बातचीत हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कह दिया वगैरह वगैरह सुप्रीम कोर्ट का फेक बना दिया ऑरकेस्ट्रेट मतलब होता है बनाना सिर्फ बनाना याद कर लो बना लेना कुछ कुछ नकली नकली असली नकली चीज़ मिला मुलू के कुछ बनाना कहलाता है ऑर्केस्ट्रोइ ओके

वन कैन वेल इमेज इन द प्लाइट ऑफ कॉमनर्स कॉमनर्स मतलब कॉमन लोगों की प्लाइट को आप अंदाजा लगा सको वन मतलब कोई भी कोई भी इंसान तो प्लाइट का दुर्दशा का या कंडीशन का कोई भी अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि आप जैसे के साथ या हमारे जैसे के साथ क्या हो सकता है अगर इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा हो गया तो ओके तो जो भी कॉल वगैरह मैसेजेस आते हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल सामने से कई बार मतलब कुछ भी नंबर आ जाता है कि जी अब ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं और वी डोंट हैव टू ट्रस्ट स्पेशली बैंक और इन सब चीजों से रिलेटेड है तो एम्बिशियस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्बिशियस मतलब होता है बड़ा ही तेज से चलने वाला कि एम्बिशन है उसके साथ कि हमारा लक्ष्य है कि जल्दी ही हमारा देश डिजिटल बन जाएगा और उससे सब कुछ बहुत अच्छा होगा ये एम्बिश द एम्बिशियस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाई गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन achieved लार्जली अचीव्ड इट्स एम जिस लार्जली मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने अपना एम अचीव कर लिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंटू अ डिजिटली एम्पावर्ड नेशन इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड बनाने में जो आ, अचीव करना था वो अचीव हो गया बट इसके साथ साथ इट हैज़ ऑल्सो मेड मोर एंड मोर सिटीजन वल्रेबल टू साइबर क्राइम वल्नरेबल का मतलब होता है एक तरह से शिकार होने की जिनकी संभावना होती वो चीज जो या तो खत्म हो जाए जैसे आ, आई यू सी एन वर्ड सुना होगा ना उसकी एक रेड डेटा लिस्ट आती है उसमें अलग अलग जानवरों के या जीवों के नाम होते हैं कि ये वलनरेबल है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है तो जिस पे खतरा मंडराता रहता है तो वलनरेबल टू साइबर क्राइम जो आजकल के लोग हैं वो क्या हो गए हैं साइबर क्राइम के खतरे के मतलब शिकार होने के चांसेस ज़्यादा हैं देयर इज़ अ डायर नीड डायर का मतलब होता है ग्रेव सीरियस एक वर्ड है ग्रेव एक वर्ड हो गया serious. There is a dire need, a serious need for people to be vigilant, especially the elderly. Elder नहीं elderly मतलब बड़े बुजुर्ग लोग जब 40-50 साल के 55-60 साल के हैं उन लोगों को तो बिल्कुल vigilant होना vigilant मतलब सतर्क एकदम आँखें खुली कान खुले जो भी बातचीत आए message आ रहा है तो क्लिक नहीं करना कई बार गलती से क्लिक हो जाता है ये सारी बातें हु आर नॉट वेरी टेक सॉवी ये वर्ड मुझे बता बड़ा अच्छा लगा सैवी एस ए वी वी वाई सेवी का मतलब होता है निपुण बोल सकते हो सेवी मतलब टेक्नोलॉजी में एकदम सीखे सिखाए बढ़िया तो वो टेक सेवी नहीं है है भोले हैं टेक के मामले में टेक सेवी नहीं है विद दी ये हो गया तो स्पेशली जो अपने विजिलेंट होना है सभी को स्पेशली जो बड़े लोग हैं वो क्योंकि वो टेक सेवी नहीं है वो बस कुछ भी नहीं देखते उनको कुछ भी एडवर्टाइज दिख गई वो तो ऐसे ही कहीं भी क्लिक कर देते हैं विद द हिमसेल्फ फ्लैगिंग द इशू फ्लैग मतलब होता है इशारा करना इस इशू की तरफ इसम खुद इशारा कर रहे थे पब्लिक अवेयरनेस के बारे में अबाउट इट इज बाउंड टू इंक्रीज ठीक है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट इज बाउंड टू कल परसों मैंने बताया था बाउंड टू का मतलब होता है निश्चित है तय है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल आर बाउंड टू डाई ओके okay. ये गाड़ी जो है यहाँ से दिल्ली जाएगी तो ये तय है कि दिल्ली ही जाएगी दिस कार या दिस बस इज बाउंड टू दिल्ली दिल्ली जाने वाली है दिल्ली जाने वाली बाउंड टू जाने के लिए भी आता है ये और बाकी जो हमारे साथ जो होना है वो तो है ही okay? ओके तो वी आर बाउंड टू एंड ये ऐसा होना तय है निश्चित है हाउ एवर हालांकि दिस इज अनलाइकली टू डिटर क्रिमिनल्स फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू मैथड्स टू कमिट फ्रॉड अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है डिटर करने के लिए डिटर मतलब होता है कंट्रोल करना रोकना क्रिमिनल्स फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू टेक्नो न्यू मैथड्स टू कमिट फ्रॉड कि क्रिमिनल देखो पहले कुछ कुछ करते थे रोड पे घूमते रहते थे तो किसी को आ गया पकड़ लिया चाकू दिखा दिया लूट लिया अब वो चाकू वाला काम तो है नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं नहीं सबके पास पैसे कहाँ रहते पॉकेट में दस रुपये है फ़ोन के अंदर है जो डिजिटल ही है तो ये डिजिटल वाला जो गर्ड जो है ये प्रोग्राम इन्होंने नया शुरू कर दिया और इसको डिटेक् करने के लिए बड़ा ही अनलाइकली है बड़ा ही इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है बिकॉज बहुत सारे वी वगैरह अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था उसमें तो तो वी से रिलेटेड था कि वी बदल लेते हैं नेटवर्क एरिया बदल लेते हैं या फिर डार्क वेब के बारे में आपने सुना होगा दे डू थिंग्स इन सच अ वे कि uh, अपनी जो साइबर सेल है इवन दे आर अनेबल टू कैच दैम साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ऑट टू ऑट टू का मतलब होता है चाहिए पता है आप लोगों को शुड का यूज़ पता होगा ना शुड शुड का बड़ा भाई है ऑट टू शुड का बड़ा भाई मस्ट और उसका और बड़ा भाई ऑट टू कि जो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है बिल्कुल करनी है करनी ही करनी है और जिसमें हम नैतिकता की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी के ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं ऑट टू का जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए आई शुड गो देर सिंपल है लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए उसमें शुड की जगह अगर हम ऑटो का इस्तेमाल करते हैं दैट वुड बी इवन मोर ब्यूटिफुल आई ऑट टू रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स यू ऑट टू रेस्पेक्ट यू पेरेंट्स ओके सो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ऑट टू रिमेन अहेड ऑफ रास्ता जो ये रास्ता बनाया जा रहा है इनके द्वारा इस रास्ते में आगे होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को राधर देन प्लेइंग कैचअप कि पीछे कैचअप क्या होता है पकड़म पकड़ा एक तरह से एक तरह से तो कैचअप नहीं खेलना है पकड़म पकड़ा नहीं खेलने की वो चोर है चोरी करके भाग गया पैसे लूट के भाग गया अब आप पीछे से ढूंढ रहे हो कि कौन था कहाँ से था ना उसकी आ, कोई भी मतलब नंबर उनके मोबाइल्स के कोई भी किसी तरह की कोई फिंगर नहीं छोड़ते हैं एंड इट बिकम्स वेरी टफ रादर देन मतलब होता है बल्कि बल्कि की बजा, की बोल सकते हो की बजाय की और यहां पर रादर देन के लिए एक और वर्ड आता है आपको बिल्कुल रट लेना है वो वर्ड है क्या बोलते हैं इसको uh, की ऑफ ऑफ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग कैच पकड़ पकड़ाई खेलने की बजाय उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें आगे रहना है कि जैसे कोई गड़बड़ होती दिखे फर्स्ट टू कैच ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे इस एडिटोरियल एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ठीक है टैक्स टैक्स हैवी वर्ड आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है टैक्स हैवी मीन्स वन हु इज़ वेरी यू नो अडेप्ट तो यहाँ पर लिख रहा है नॉट वेरी टैक्स हैवी जो ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है टेक्निकली साउंड मतलब टेक्निकल नॉलेज है जिनको The ambitious Digital India program launched by PM Narendra Modi in 2015 has देखो यहाँ पर the government आगे ना the government has largely achieved the, its aim of transforming India into a digitally empowered nation. Digitally empowered nation को बनाने में जो जो achieve करना था वो पूरा achieve कर लिया but it has also made more and more citizens vulnerable to cyber crime. लेकिन इसके साथ साथ मोर एंड मोर का मतलब है और ज़्यादा सिटीजन को और ज़्यादा खतरे के खतरे में ले आया किसके खतरे में साइबर क्राइम के खतरे में देर इज़ अ डाई नीड फॉर पीपल टू बी विजिलेंट ये बड़ी ही तगड़ी नीड है बहुत ज्यादा ज़रूरत है स्ट्रिक्टली नीड है कि लोगों को विजिलेंट होना है सतर्क रहना है स्पेशली द एल्डरली हु आर नॉट वेल हु आर नॉट वेरी टैक्स सेवी जो टैक्स सेवी नहीं है विद द पी एम हिमसेल्फ्लैगिंग द इशू पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट इज बाउंड टू इंक्रीज कि जो पी एम uh, मोदी हैं विद दी पी एम देखो यहाँ पर अब पी एम आ गया ना द आ गए ना पी एम से पहले पी एम से पहले दा है लेकिन पी एम मोदी लिखा से तो द नहीं आएगा क्योंकि नाम से पहले कभी भी दा नहीं आता है अगर नाम नाम का काम करे तो with the PM himself flagging the issue, public awareness about it is bound to increase. कि ये जो public awareness is bound to increase, जरूर इनको increase करना मतलब public awareness के बारे में public awareness करनी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं bound to increase, ये बढ़नी तय हैं ये तो होंगी However, this is unlikely to deter criminals from trying out new methods to commit fraud. Fraud करने वाले जो criminals हैं इनको पकड़ना इनको deter करना control करना is unlikely. ये बड़ा ही इंपॉसिबल दिखाई दे रहा है इसलिए क्या करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑट टू रिमेन अहेड ऑफ द रादर देन प्लेइंग कैचअप साइबर सिक्योरिटी को इस रास्ते में ये जो रास्ता चल रहा है जो भी ये प्लान है उस प्लान में उनके एक कदम आगे चलना है इंस्टेड ऑफ रादर देन की बजाय बजाय किसके प्लेइंग कैचअप पकड़म पकड़ाई खेलने की बजाय आगे चलने की आवश्यकता है सो दिस वॉज यू डे प्लीज लाइक शेयर Subscribe to Karidi Yoga and share with it your friends. And as I would again say, reading plays a great role in most of the examinations, including all those examinations that has vocabulary like SSE and those examinations in which you have to write essays, tenth ka, twelfth ka, UPSC. एस के जो मेंस वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको एस लिखना है कहीं आपको एप्लीकेशंस um, लिखने तो वहाँ उसके लिए आपके पास अगर वर्ड्स हैं और आपके पास दिमाग में कुछ कंटेंट है तो विदाउट मेकिंग मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यूल बी एबल टू राइट एन अटैम्प्ट विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड देन गेट मार्क्स दैट्स एट इतना ही तो ओके सो थैंक यू वेरी मच अ ग्रेट टाइम अ है इन्जॉय